थैंक यू एवरीवन, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताता हूँ, बेसिकली मेरा एजुकेशन एक गांव के स्कूल हिंदी मीडियम से हुआ। मैंने पहली क्लास से और पांचवी फिफ्थ क्लास तक गांव में ही पढ़ाई की। उसके बाद मैं मेरठ आया, मेरठ एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा। तो मेरा बेसिकली पढ़ने का वो एक एवरेज था, मैं पढ़ाई में कोई ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट नहीं था। तो वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मिस्टेक की वो बच्चे मिस्टेक ना करें, और जो मैंने अपने को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ पढ़ाई के पॉइंट अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि 10th के 12th के सभी एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीकी, तो मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को किसी भी तरह का इस तरह का लापरवाही ना करें कि जाकर उनको फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं वो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करें। देखो, एक तो बच्चे का उठने का और सोने का टाइम बड़ा फिक्स होना चाहिए, लेकिन आजकल का क्या, बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं। मैंने भी देखा है, मेरे भी बच्चे हैं, देर तक पढ़ते हैं तो सुबह में नहीं जल्दी उठ पाते। ठीक है, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के बाद क्या है, ऑनलाइन टाइम आ गया, करेक्ट। उसके बाद आपको पेरेंट्स को यानी कि बच्चे पर नज़र रखनी पड़ेगी कि बच्चा रियल में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि हुआ क्या, मैं कोविड की अपने बच्चे की बात बताता हूँ, ऐसे ही मैच चल रहा था, IPL चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही देखा कि ये बच्चा पढ़ रहा है मेरा या नहीं पढ़ रहा है। मैंने पूछा, ओ यार सेट, ये तो गया, आउट हो गया, विराट कोहली आउट। बोला, नहीं पापा, बच्चा तो खेल, अभी तो विराट कोहली खेल ही रहा है, आउट कहाँ हो गया। तो मेरे को लगा कि यार ये कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, पढ़ाई की जगह IPL में ही ना लगा रह जाए। देखो, गेम वगैरह सब चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन पढ़ाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ अगर आपको लाइफ में इन्वेस्ट करना है एज ए मीडियम फैमिली और रिच फैमिली, तो आप अपने बच्चे की एजुकेशन के ऊपर जितना हो सकता है दिल खोल कर पैसा खर्च करो। इससे अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इससे अच्छा कोई भी हाउस नहीं होता। बच्चे को एजुकेशन और बच्चे को संस्कार, ये दो चीज़ सिखा दो, बाकी वो खुद कर लेगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आज की बच्चे खुद ही एक्टिव होते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बच्चे को पढ़ाई के ऊपर, बच्चे को किस तरह पढ़ाएं और बच्चे को किस तरह क्या करना चाहिए। तो देखो, अभी क्या है ना, बच्चे को क्या करने का है, आपको सपोज करो, एक तो कोई स्कूल में जाता है, इंस्टीट्यूट सब ने लगा रखे होंगे, एक तो सबसे पहले करना है आपको कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ के आया है उसको रिविज़न घर पर ज़रूर आके कर ले, जो कि मैंने किया था। जब तक मैं पढ़ाई में ऐसा नहीं था, कमजोर नहीं था, झटका भी लग गया, तो मैंने एक ही इम्प्लीमेंट किया था कि जो मैं स्कूल में पढ़कर आता था उसको मैं घर आके जस्ट पढ़ता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को अगर मेरी 12 बजे भी आंख खुलती थी ना, तो मैंने जो पढ़ा उसको रिवाइज करता था। मेरे माइंड में ऐसी टेंशन हो गई थी ना कि यार ये मैं भूल गया लग रहा है, मैं इमीडिएट पढ़ता था, क्योंकि पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, एवरेज था मेरे से ऊपर, लेकिन मेरे को था कि यार 10th में पास हो जाएं किसी तरह से, फिर 12th देखेंगे। तब तो पेरेंट्स का यही सपना रहता था कि बेटा 10th 12th कर ले बस, बाकी की बात की तो बस फिर हम तेरे को नहीं कहेंगे। तो हमारी 10th 12th हो गई, तो मैंने अपने ऊपर यही इम्प्लीमेंट किया कि मैं जो भी पढ़ता था उसको रिवाइज करता था। और सपोज करो मैंने मैथ किया है, तो मैं संडे उसको एवरेज उसका प्रैक्टिस जरूर करता था, जो मैंने स्कूल में किया उसका प्रैक्टिस, प्लस जो मैंने अपने आप लर्न किया या मैथ किया है जो भी, उसका प्रैक्टिस, उसका रिवाइज शाम को सोने से पहले या नेक्स्ट डे जरूर करता था। तो क्योंकि मेरी मेमोरी भी इतनी शार्प थी नहीं, भूल जाता था। और मैंने देखा, मैं नहीं अकेला ही, मैं नहीं, सभी बच्चे ऐसे ही भूलते हैं, रियलिटी है, दिस इज द डैम श्योर, इट्स ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सभी भूलते हैं। भूलने की आदत होनी भी चाहिए, अगर भूलेंगे नहीं एक बार पढ़ लिया तो इसी चक्कर में नंबर भी नहीं आते। एक बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस ना होने दें, बच्चे पर नज़र रखें, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा स्कूल कब जा रहा है, बच्चा कब आ रहा है कब नहीं जा रहा है। ये 3 साल बड़े प्रीसियस ईयर हैं, 9th 10th 11th 12th, सॉरी 4 ईयर। तो इसके बाद बच्चे का कैरियर डिसाइड होता है, आपको इस टाइम पे थोड़ा सा अपने को स्ट्रगल करना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स, फैमिली फंक्शनों को छोड़ना पड़ेगा, वो जरूरी छोड़ना है। ये नहीं कि बच्चा चलो ठीक है आज कर जाते हैं, बहुत पेरेंट्स का होता है कि एक दिन में क्या मास्टर बन जाएगा, यस हो सकता है वो उसी दिन में मास्टर बनता हो। ये जो गलती मैंने की थी ना, मेरे कभी घूमने चला जाता था कहीं पे फंक्शन हुआ,
लेकिन उस दिन अगले दिन मैं आके देखता था जो मेरे मित्र हैं वो मेरे से आगे निकल चुके होते थे, क्योंकि हो सकता है वही चैप्टर वही चीज आज पढ़ाई जाए जो आपके माइंड में बैठनी थी। इसलिए 3-4 साल अगर आप फंक्शन नहीं भी करेंगे या इग्नोर करेंगे, चलो फैमिली फंक्शन जरूरी है, लेकिन बच्चे की कैरियर से मेरे ख्याल से वो भी जरूरी नहीं है। उनको बहुत लंबा टाइम मिलता है फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो इतना जरूरी नहीं। आप बच्चे के कैरियर को लेकर बहुत कॉन्शियस रहें, उसकी पढ़ाई पर ध्यान रखें, उसके खाने पीने का ध्यान रखें, तो उसकी सेहत का ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा बच्चों की एजुकेशन के लिए, क्योंकि मेरे को बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, चाहे वो मेरे हों चाहे किसी के भी बच्चे हों। मैं चाहता हूँ बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है। चाहे किसी का भी बेबी क्यों ना हो, वो मेरे को ऐसा ही लगता है जैसा मेरा बेबी है। तो थैंक यू सभी पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों को, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफाई करें, और थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।